संजौली मस्जिद विवाद के बाद प्रदेश भर में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न संगठनों द्वारा आज 14 सितंबर को हिमाचल बंद का आह्वान प्रदेश भर में किया गया था प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखने को भी मिल रहा है लेकिन राजधानी शिमला में इसका मिला जुला असर ही नजर आया है हालांकि शिमला के बाजार आज रोज की तरह खुले रहे और शिमला व्यापार मंडल ने पहले ही आज बाजार खुले रहने का ऐलान कर दिया था व्यापार मंडल का कहना है कि दो दिन पहले ही वो संजौली विवाद के विरोध में बाजार बंद रखकर अपना विरोध जता चुके हैं ऐसे में आज शिमला में इस बंद का खास असर नजर नहीं नहीं आया है कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों से प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं उसको लेकर पिछले कल हिंदू परिषद और बजरंग दल और विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा आज प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया था इसका जो असर है आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिला लेकिन राजधानी शिमला में इसका कोई असर नहीं है आज सुचारू रूप से सभी दुकानें खुली है बाजार पूरा खुला है और जो व्यापार मंडल है राजधानी शिमला के अंदर का उनका कहना है कि उन्होंने दो दिन पहले वीरवार को अपना प्रदर्शन जो है वो जता दिया है आज के जो बंद है उसमें उनकी कोई भी कार्यवाही नहीं है उनकी तरफ से आज वो आमतौर पर बाजार को सुचारू रूप से ही चलाएंगे कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम